हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बात बताऊंगा, जो भी मैं आज कहने वाला हूँ उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और थोड़ा सा आपको अजीब सा भी लगेगा, लेकिन कुछ जो सच्चाई है वो आपके सामने बताऊंगा। आपने ये नोटिस भी बिल्कुल नहीं किया होगा अपनी लाइफ में, या फिर देखते होगे आप तो हमेशा उस जगह पे जाते भी हो और देखते हो कितनी भीड़ रहती है। और एक जो भी मैं तुलना करूंगा, एक छोटी चीज से लेके एक बड़ी चीज तक, दोनों ही गवर्नमेंट की चीज नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की चीज है उस पे इतनी जो छूट है और जो हमारी चीज है उस पे इतनी छूट है। तो क्या कुछ है इस वीडियो में, तो सब कुछ बताऊंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबाए। तो देखिए दोस्तों, आपने इस सरकार के कानून को देखा होगा कि जब भी हम किसी बाइक पे अगर हेलमेट नहीं डालते हैं, या फिर अपनी बाइक के ऊपर 3 सवारी भी अगर लेके चलते हैं, तो रास्ते में पुलिस खड़ी होती है, जगह जगह पे पुलिस खड़ी होती है और हमें रुकवाती है, हमसे 100 जवाब पूछती है। अगर आपके पास कोई भी एक कम कागज है, वो बिना देखे आपके कागज भी नहीं देखेंगे और आपका जो है पूरा पेज जो है चालान से भर देगी। बंदे के पास कुछ है या नहीं है वो उससे मतलब नहीं रखते, सब कुछ आपका भर के चालान जब आपको दे देंगे, भाई जा, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, सब कुछ चेक करेंगे। चलो मान लिया सरकार की ये बातें सही है, उनको ये सब कुछ करना चाहिए। अब एक तरफ आप रेलवे को देखिए, रेलवे में आपने कभी भी सफर किया है, उसमें कितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, कई कई बार तो जो भी ये हमारे अड्डा या फिर कोई छोटे हमारी जो रेलगाड़ी होती है उनमें इतनी भीड़ होती है कि उनसे जो है हम जल्दी से जो है उनमें से सफर भी नहीं कर पाते, इतनी भीड़ उनके अंदर हमें मिलती है। तो सरकार का ये नियम कुछ अलग है। और देखिए उसमें कोई चालान वगैरह कुछ इतना सिस्टम नहीं है, टिकट भी वो जो है बहुत कम चेक करते हैं, लेकिन जब एक बाइक जाती है तो उसमें बहुत चेक करते हैं। तो सरकार ने ये हमारे साथ जाती कर रखी है बहुत ही ज्यादा, इसमें मुझे डिफेक्ट लगा, क्योंकि रूल जो होने चाहिए सबके लिए बराबर होने चाहिए। अब बाइक पे कोई 7,000 या 8,000 की नौकरी करता है, तो महीने में उसको 10 बार पुलिस पकड़ ले तो उसमें से 4 बार तो उसका चालान कटना जरूरी है। ये तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं कई बार बाइक पे गया हूँ तो चालान बिना देखे पुलिस भर देती है। लेकिन रेलवे में इतनी छूट दे रखी है कि उसमें ठोक ठोक के सवारी भर रखी है कि उसमें कैसे भी आदमी जाए तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी। तो आज की इस वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं, आपके मन में भी कोई विचार है, तो नीचे कमेंट में जरूर डालें, और सरकार के खिलाफ कुछ आपके एक्शन है तो वो भी मुझे जरूर बताएं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए।